मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ सभी 230 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के चेहरों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। आगामी 17 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव से पहले अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम प्रदेश भर के मतदाताओं का मन टटोलने निकला है। मुरैना जिले से शुरू हुआ अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम आज खरगोन जिला पहुंचा है। खरगोन मालवा निमाड़ क्षेत्र में आता है और एमपी में लगातार हमारा जो रथ है, चुनावी रथ, वो आगे बढ़ रहा है। महेश्वर आज पहुंच चुका है। यहां पड़ने वाली 76 विधानसभा सीटें राज्य में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती है, मालवा निमाड़। ऐसे में हमें ये जानना चाहिए कि आखिर मालवा निमाड़ क्षेत्र का सियासी समीकरण क्या है। तो पिछली बार यहां का सियासी समीकरण किसके पक्ष में था, 2018 के पहले के चुनावों में यहां किसने बाजी मारी और इस बार की चर्चित सीटें कौन सी हैं। प्रदेश की कुल 230 सीटों में से सबसे ज़्यादा 66 सीट मालवा निमाड़ अंचल से ही आती है, जो प्रदेश की कुल सीटों का 28.7% है। इस क्षेत्र में 15 जिले शामिल हैं, जिनमें से 9 विधानसभा सीटों वाला इंदौर, उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा शामिल हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मालवा निमाड़ से ही मध्य प्रदेश में सत्ता का द्वार खुलता है। प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल है, लेकिन आर्थिक राजधानी का केंद्र बिंदु मालवा निमाड़ ही है। प्रदेश के विकास के साथ साथ राजनीतिक भूमिकाओं में मालवा निमाड़ का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना और उसके बाद मालवा निमाड़ से अब तक 6 मुख्यमंत्री प्रदेश में रहे हैं। इस क्षेत्र का राजनीतिक प्रभाव संपूर्ण प्रदेश पर दिखता है और इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सबसे चर्चित चेहरे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंदौर एक सीट से भाजपा के उम्मीदवार भी हैं और उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। इस क्षेत्र के अन्य चर्चित उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया हैं, जो मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भूरिया वर्तमान में झाबुआ, जो कि एक एसटी सीट है, वहां से विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया को इस सीट से मैदान में उतारा है। पिछली बार मालवा निमाड़ का सियासी समीकरण क्या था, तो मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक रहा। 230 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम 114 सीटें मिली थी और भाजपा 109 सीटों पर आ गई। हालांकि यह भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट मिला। बसपा की बात कर लेते हैं तो उसे 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली थी। मालवा निमाड़ अंचल के परिणाम की बात करें तो वो कांग्रेस के पक्ष में गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उस वक्त की विपक्षी कांग्रेस को 35 सीटें जबकि सत्ताधारी भाजपा के 28 और प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके अलावा 3 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते। नतीजों के बाद राज्य में कांग्रेस ने बसपा, सपा और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस तरह से राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। 2013 के चुनावों में अब यहां किसने बाजी मारी, तो प्रदेश में 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। भाजपा को 165 सीटें मिली थी और वहीं कांग्रेस को 58 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और इसके अलावा अन्य को 7 सीटें मिली थी। मालवा निमाड़ क्षेत्र का चुनाव परिणाम एक तरफा भाजपा की तरफ था और 2013 में भाजपा को 66 में से 56 सीटें मिल गई थी, जबकि कांग्रेस को महज 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा एक सीट पर अन्य प्रत्याशी की जीत हुई। 2008 के चुनाव में मालवा निमाड़ क्षेत्र में क्या हुआ वो भी आपको बता दें, क्योंकि क्षेत्र के परिसमन को बदला गया। अंतिम परिसमन के बाद 2008 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी और इस बार भाजपा ने यहां 143 सीटें जीती थी। कांग्रेस के 71 उम्मीदवार जीते थे, वही 16 सीटें अन्य के खाते में गई। 2008 के बारे में बताएं तो यहां मालवा निमाड़ क्षेत्र का सियासी नतीजा भाजपा के ही तरफ था। इस चुनाव में भाजपा ने यहां 66 में से 41 सीटों पर जीत सुनिश्चित की, जबकि कांग्रेस के 24 उम्मीदवार सफल हुए और इसके अलावा एक सीट पर अन्य को जीत मिली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।